दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर के बीच में डिफरेंस क्या है, आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। दोस्तों ट्रांजिस्टर को हम लोग दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं, एम्पलीफायर को भी दोस्तों हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं। ट्रांजिस्टर जो होता है दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, एम्पलीफायर के अंदर रहता है दोस्तों। और दोस्तों एम्पलीफायर जो होता है दोस्तों ये एक फुल सर्किट होता है। ट्रांजिस्टर के जरिए दोस्तों हम लोग स्मॉल सिग्नल को दोस्तों लार्जेस्ट सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एम्पलीफायर में दोस्तों बहुत सारा कंपोनेंट्स देखने को मिल जाता है दोस्तों, जैसे दोस्तों हो गया ट्रांजिस्टर, उसके बाद दोस्तों हो गया कैपेसिटर, उसके बाद हो गया दोस्तों रेजिस्टर। बेसिकली थ्री टाइप्स का ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाता है दोस्तों। एक हो गया दोस्तों बीजेटी, दूसरा हो गया दोस्तों एफईटी, तीसरा हो गया दोस्तों आईजीबीटी। बीजेटी मतलब दोस्तों बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी मतलब दोस्तों फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये जो ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों माइक में यूज किया जाता है, फोन में यूज किया जाता है और कंप्यूटर में भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में दोस्तों एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर जो होता है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ नया उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।